नमस्कार दोस्तों, insidestory.in में आपका स्वागत है। राजनीतिक किस्सों में आज एक ऐसे चीफ सेक्रेटरी की बात करेंगे जो आधी रात को एक मुख्यमंत्री के सामने शराब के नशे में पहुंच गया और वो उस मुख्यमंत्री ने कुछ भी कहने या कुछ भी सुनने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब, अब अगर आइंदा मुख्यमंत्री निवास आए तो पान खाने की ज़रूरत ना पड़े। दरअसल ये चीफ सेक्रेटरी RCPV नरहुआ थे जो कि मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के बुलाने पर आधी रात को CM हाउस पहुंचे थे। उनके साथ पुलिस विभाग के मुखिया भी थे। रास्ते में इन्होंने एक पान खाया। ये पान इसलिए खाया था क्योंकि RC नरहुआ शराब पीने के आदि थे और वो जो विस्की पीते थे उसका नाम था ब्लैक नाइट। ये ब्लैक नाइट उन दिनों काफ़ी मशहूर थी क्योंकि जैसे ही रात होती थी उसी समय ब्लैक नाइट जो है वो टेबलों पर सज जाती थी। तो जैसा कि नरोहा करते रहे, रात होते ही उन्होंने उस दिन भी ब्लैक नाइट के पैक ले लिए और वो जब इस दौर में थे कि वो 2-3 पैक ले चुके थे, ठीक उसी समय मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र का बुलावा आया जिसमें कहा गया कि तत्काल CM साहब ने उन्हें तलब किया है। तो उन्होंने पुलिस मुखिया के साथ एक कार में बैठकर CM हाउस का रुख कर लिया और रास्ते में इस पुलिस अधिकारी ने एक पान नरोहा साहब को खिला दिया। ये पान खाने के बाद नरोहा साहब और वो पुलिस अधिकारी दोनों CM हाउस पहुँचे और द्वारका प्रसाद मिश्र के सामने पेश हो गए। ज़रूरी बात थी, राज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा थी जो कि देर रात होना ज़रूरी थी। तो चर्चा के बाद जब द्वारका प्रसाद मिश्र ने नरोहा की तरफ रुख करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब, जब भी आप देर रात CM हाउस आएँ तो ध्यान रहे कि पान खाने की ज़रूरत ना पड़े, चूँकि द्वारका प्रसाद मिश्र ये समझ गए थे कि नरोहा ब्लैक नाइट विस्की के पैक लगाकर आए हैं और जिसकी महक वो पान से छुपा रहे हैं। इसका उल्लेख नरोहा ने अपनी बायोग्राफी में भी किया। उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्र की समझदारी और सहजता के बारे में इस पूरे वाक्य का उल्लेख भी किया है। इस तरह के कई और वाक्य चीफ सेक्रेटरी नरोहा के विषय में कहे जाते हैं और बताए जाते हैं। उस दौर में नरोहा का ब्लैक नाइट से प्रेम जग जाहिर था। फिलहाल insidestory.in में इतना ही। अब आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये किस्से कहानियाँ अगर आपको पसंद आ रही हों तो लाइक करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।